तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम हेमेंद्र शेखावत है और मैं यहाँ पे यूपीएल में एज एरिया सेल्स मैनेजर कोटा इटावा झालावाड़ वाला एरिया देख रहा हूँ। तो आज हम लोग आए हैं हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मिस्टर आशीष खंडेलवाल जी उनके यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसे हमारा सीक्रेट का जो सीजन है वो भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ में जा रहे हैं बीज उपचार के लिए सोयाबीन में पेटी में। तो हमने क्या किया है, इसके कुछ ट्रीटेड वर्सेस अनट्रीटेड सीड के सोयाबीन के कुछ ट्रे वगैरह तैयार किए हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो उसका हम लोग शोकेस करने जा रहे हैं फार्मर लेवल पे, रिटेलर लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, और वहां पे जा के हम लोग दिखा रहे हैं कि जो सोयाबीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन से हमने बीज उपचार किया है उसके कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, कंपेयर उसका जो बीज उपचार नहीं किया है उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो हम लोग शोकेस कर रहे हैं। तो अभी हम आए हैं आशीष जी के यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन जो ट्रीटेड और नॉन ट्रीटेड का जो ट्रे है वो हमने शोकेस किया है। तो इसके अंदर हम लोग अभी दिखाएंगे कि इन दोनों में क्या रिजल्ट विजिबल है। तो आप लोग देख रहे हो ये ट्रीटेड, ये वाला जो एरिया है, ये सीड है, ये सोयाबीन का इलेक्ट्रॉन से ट्रीटेड है और ये वाला नॉन ट्रीटेड है। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन का 4 ml प्रति केजी सीड के हिसाब से उपयोग किया है और यहाँ पे हमने 50-50 दाने सोयाबीन के लगाए हैं ट्रीटेड और अनट्रीटेड के। अब इसमें जो पहला रिजल्ट आप देख रहे हो वो देख रहे हो जो नॉन ट्रीटेड जो सोयाबीन है उसके अंदर इसके बीज को पूरी तरीके से फफूंद ने घेर रखा है। ये देखिए आप आशीष जी देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल पूरे चारों तरफ फफूंद आ चुकी है और बिल्कुल पत्तियां भी इसमें। जो सोयाबीन जो इलेक्ट्रॉन से ट्रीटेड था उसका बिल्कुल बीज एकदम बिल्कुल क्लियर कट, मतलब फर्स्ट क्लास कंडीशन में है आज की डेट में, पहला रिजल्ट तो ये। दूसरा जो जर्मिनेशन परसेंटेज है उसके अंदर ट्रीटेड वाले सीड के अंदर मैक्सिमम ऑलमोस्ट 100% जो सीड है वो प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके अंदर नॉन ट्रीटेड सोयाबीन में बहुत सा सीड ऐसा है जो वहीं गल के खत्म हो गया और उसको नहीं उगा है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट आप देख रहे हो जो ट्रीटेड जो सोयाबीन है उसका जो लीफ देख रहे हो बिल्कुल हरा भरा है, कहीं भी इसमें दाग नहीं है, कहीं भी गल नहीं रहा है, आप देख रहे हो पता इसका बिल्कुल पीलापन। जो नॉन ट्रीटेड वाला जो सोयाबीन है उसके अंदर आप देख रहे हो ये बिल्कुल धब्बे धब्बे होके इसका जो पत्ता है वो खत्म होता जा रहा है, इस तरीके से देख रहे हो आप। तीसरा रिजल्ट ये। चौथा रिजल्ट, इसका जो स्टेम है ट्रीटेड वाले सीड का वो बिल्कुल वाइट है, देख रहे हो आप आशीष जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो पूरा वाइट है स्टेम, इसका जो स्टेम है पौधे का नॉन ट्रीटेड वाले का वो येलोइंग लिया हुआ, इसके ऊपर धब्बे हैं और गल रहा है फफूंद की वजह से। तो ये 3-4 रिजल्ट हमने आप लोगों को दिखाए हैं। तो इस बार मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी फसल का बीज उपचार करो, चाहे सोयाबीन का कर रहे हो चाहे पेड़ी का कर रहे हो, दोनों तीनों मतलब जो भी सीड है, तो आप लोग इसको इलेक्ट्रॉन से ट्रीटेड करके ही बोए। इससे क्या होगा, आपकी फसल का जमाव अच्छा होगा, बीज का जमाव अच्छा होगा, गलने की समस्या नहीं आएगी। अगर ये समस्या नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्शन है वो ज्यादा आएगा। आशीष जी आपका क्या कहना है इसके बारे में? नमस्कार किसान भाई, मैं यही कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन एक बेस्ट प्रोडक्ट है और इलेक्ट्रॉन से बीज उपचार सोयाबीन को तो करना ही है, वैसे तो सभी बीजों को करना है पर सोयाबीन को तो करना ही है। देखिए आप दोनों को अंतर देख सकते हैं बिल्कुल, इसका पौधा और इसका हरा भरा बिल्कुल, और इसका बिल्कुल सूख चुका है, पीलापन लिए हुए हैं। और अगर अंतर इतना है अभी तो आगे जाके उत्पादन में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा बिल्कुल। तो मेरी सलाह यही है कि सोयाबीन को तो इलेक्ट्रॉन से बीज उपचार करना ही है। तो धन्यवाद। तो देखिए आप